Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. आज है reception day, मतलब event सब खत्म, शादी खत्म होने वाली है. आज हम लोग जाएंगे ready होने, मामा भी आएंगे साथ, लेकिन मामा बाद में आएंगे, पहले मुझे ready होना है. मेरे dresses वगैरह वहाँ पहुँच चुके हैं. हम लोग फटाफट से नाश्ता करेंगे, निकलेंगे, दोपहर होगी, रात का event है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली रेडी होना है. और फिर आज आप ही हमारे घर आ जाएगी, हम आप ही को खींचिए ज़बरदस्ती अपने साथ लेके आएंगे. सो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ. ओके गाइस, तो नीचे आई हूँ, तो नीचे मेरी अम्मा अपने ड्रेस के साथ अभी ज्वेलरी ढूंढ रही हैं और मैं यहाँ पे निकलने की तैयारी में हूँ. मम्मा आप मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगी ना, ठीक है? और द मेकअप रोज आ जाती है मेरे साथ ना मेकअप कराने, हीरा और हीरा फिर स्टाइलिंग करती है. आपको फ्री की स्टाइलिस्ट मिली हुई है और क्या चाहिए आपको. तो भाई अब बस ड्राइवर का वेट हो रहा है और हम निकलेंगे यहाँ से. ओके मम्मी अब मैं जा रही हूँ, अभी मैं आ रही हूँ जल्दी. अब मैं जाके अपना मेकअप कराती हूँ और मेरी अम्मा मेरे पीछे पीछे आएंगी. ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ होटल और बस मेकअप आर्टिस्ट में वेट कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, मैं वहाँ पे स्टक हो गई और अब हम लोग मेकअप स्टार्ट करवाएंगे. ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे जो ड्रेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, हमारी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है. स्पेशल कराची से आई है मेरा मेकअप करने और यहाँ पर उन्होंने मेकअप जो है वो जोड़ा हुआ है सारा ऐसे लाइन. मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जोड़ के पहले रखा होता है, बाद में प्रोडक्ट्स ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. मैंने पहले ही सेट करके रखी है. तो अब हम लोग अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपनी लुक डिसाइड करेंगे और फिर आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, जो मेरा मेकअप है वो ऑलमोस्ट नहीं आधा आधा हो चुका है और यहाँ पे मेरी मामा हमेशा घूम जाती हैं. हम फिफ्थ पे गए, फिर कहा गए, भूल गए, हम फिर नीचे पहले पहुंच गए, फिर आप ऊपर आए. अब जिंदगी में नहीं कभी भूलेंगे, भूलना बनता भी है आपका, भूल जाए क्योंकि इवेंट्स खत्म हो गए. अब आपको नहीं बार बार आना पड़ेगा इधर उधर. हमारा जो मेकअप है वो इतना हो चुका है, बाकी का मेकअप आपको फुल लुक दिखाती हूँ. अभी मेरी अम्मा को नहीं, मामा आप अपने कपड़े तो देखिए मेरे साथ. अच्छा, हमारी हेयर स्टाइलिस्ट भी घूमती रही. दो मुझे एक नहीं मिल रहा था, मम्मा को दो ड्रेसेस देख रही है, मिलने की यहाँ से अच्छा कौन सा है, दोनों ही अच्छे है मम्मा. अब मम्मा ना मुझ पे इल्जाम लगा रही है, तू कार छड़ आई है, तू है कर देता है कर देता है. मैं इधर अपना मेकअप करा रही हूँ, भाई मुझे क्या पता इनका ट्राउजर नहीं है साथ, बट मंगवा सकते हैं. ओके गाइस, तो मेकअप जो है वो मेरा कह लो कि 95% डन हो चुका है. अब हेयर स्टाइल बन रहा है और हेयर स्टाइल बनने के बाद वैसे मैंने पोनी चूज़ किया साड़ी के साथ, क्योंकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल बंद है. और इयर रिंग्स पहनेंगे आज गाइस, फाइनली मैं इयर रिंग्स पहन लूँगी. जितना आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है ना, हीरा इयर रिंग्स नहीं पहनती. मेरी वैसे जो ज्वेलरी में लीस्ट फेवरेट आइटम है ना वो इयर रिंग्स है, लेकिन आज मैं इयर रिंग्स पहनूंगी, डोंट वरी. मेरी अम्मा रेडी हो रही हैं, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, सो हियर वी गो, दिस इज माई फुल वलीमा में जो साड़ी वाली लुक है. हम सबका वैसे थीम है साड़ी पहनना, तो ये मेरी लुक है. और अभी हम लोग मुझे ज़्यादा शूट करने हैं, तो शूट करके आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? ओके गाइस, तो ये रेडी हुई है मेरी अम्मा. अभी नीचे इन्होंने ट्राउजर चेंज करने घर जाना है स्पेशली. अपना मेकअप दिखाएं, ओह माय गॉड आज की लुक इतनी प्यारी लग रही है. और अपना बैक से दिखाएं ज़रा जूड़ा, और ये कलाकारी लगाई है मम्मा ने खुद. और इयर रिंग अटकाया हुआ है पीछे, ये नहीं बतानी, स्कीमें नहीं बतानी ना, सारी स्कीमें बोल बोल के बता रही है. तो हम लोग निकल रहे हैं वलीमा के लिए, सलेट्स को. आज भी मैंने ही अम्मा को स्टाइल किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज अम्मा ने अपने आप को खुद स्टाइल किया. और अब हम लोग निकल रहे हैं वलीमा के लिए, वहाँ जाके मुलाकात होती है सब लोगों से और आपको देख के बताऊंगी कि किसकी कैसी लुक लगी. आपने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की ये वाली लुक कैसी लगी है. पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, उफ़ अल्लाह, हम लोग जा रहे हैं अंदर, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आज फिर सबसे पहले आए हैं, बाकी मेरी बहनें सब लेट हैं. हमें लगा हम पहले आए हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा पहले आए. पहले आ गए सामने को. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी जानी? हेलो, जल्दी से हमारी ओके गाइस, तो यहाँ पे हो रहा है मेरी अम्मा का सोलो शूट, मेरे साथ भी आप दोनों ने पिक्चर्स लेनी है. ओके गाइस, तो जो सेटअप है वो कुछ इस टाइप का है. मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं खुद पिक्चर्स और सबसे मिलने में बिजी हो गई थी. अभी मेरा शूट होने वाला रहता है, अब होने लगी है दुल्हन की एंट्री. आ गई है दुपट्टा को करने के लिए, आ गई है. I'm gonna be a diva,
साड़ी बहुत अच्छी है, राबिया जाके सेट करेगी। कल को जब तुम्हारी शादी होगी ना तो बहुत मुश्किल है। आपका कैमरा तो मैंने ले लेना है। एक कूल सी फोटो फिनाले है ना, क्योंकि गाइस फिनाले है। अरूप मुझे जो है वो बारात पे नहीं दिखी, बट इसकी साड़ी चेक करो कितनी बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाथ लग गए। और ये एक और फ्रेंड है हमारी, ज़ारा। हेलो ज़ारा, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। तुम फिट यार, सो प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है। गॉर्जियस टिंड देख लिया आपकी पहली बार। बाल आ गए हैं, थोड़ी घास आ गई। भैया डकी भाई का भी आउटफिट देख लिया मैंने सब। डकी भाई आपको एक बात बतानी है। मैंने सुना आप पे मीम बनी, आपने मायूं और मेहंदी पे पता नहीं दो दिन एक ही कुत्ता खाना। वो मुझे अरीब ने कपड़ा दिया है, उससे खराब मिलता जुलता है, और वो लोगों ने वो तब समझ नहीं आई। वाओ, ये गिफ्ट देनी है। कर दी है, दे दी है, बहुत प्यारी है, बहुत अब जिस जिसने केक खा रहा है हम सबको केक खिलाएंगे, बाकी मम्मा पापा सबको केक शेक खिला देंगे। नहीं यार, खाना सब खा दो। मजा नहीं आता। मैं आज मैं भी आऊंगा, इकरा भी आएगी, आज हम पूरी रात बैठ के बातें करेंगे, मैं और मम्मी। मम्मा अब पहले तो खाली मुझे, मम्मा रो क्यों रही है यार? मम्मा आप आपने क्या हो गया, इतना है क्या हो गया? रोना नहीं है, साथ नहीं मार। जब आपको दिल की बातें कर, आपने मुझे बताना है, मैंने दो मिनट में इसको छोड़ के आ जाना आपके पास। परेशान समझे, मैं ऊपर अपने कमरे में बैठी हूँ। अभी तो हम आपके पास ही जा रहे हैं, आंटी के आके हम नाश्ता करेंगे सुबह। मैं कहूँगा मम्मी नाश्ता। सुबह फिर अरीब की फैमिली में लेने आएगी ना, अभी हम जाएंगे, ठीक है ना? रोना नहीं है, मेरी अम्मी बेचारी ने वक्री टेंशन पा ली है। खत्म हो गया, बस निकलने लगी है। अल्लाह का शुक्र, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत मजा आया और बहुत इंजॉय। और मम्मी को मैं बता दूँ, मम्मी बहुत अच्छे है सब, मैं बहुत इजी रही, हाँ सब बहुत अच्छे हैं, बड़ा मजा आया मुझे। मुझे फील ही नहीं हो रहा था मैं कहीं किसी और के घर पे आई हूँ ना। लड़कियाँ होती है ना परेशान होती हैं, मैं बहुत इजी थी। तो चल नहीं जाना, नहीं हम लोग भी हम आपको लेने आए हैं। चलो चला जो चले जी। अभी चार मन का ड्रेस पहना हुआ इसने, इतना भारी ये ड्रेस था, कसम से मैं उठाया नहीं जा रहा था। आज आखिरी दिन था इवेंट्स का, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब हम निकलने लगे घर को, आज हम जाएंगे इकरा की तरफ, फिर देखते क्या सीन होता है। आज हम मेरे रूम में रहेंगे। चलो प्रोग्राम तो बंद हो गया। चलो जी घर को, बस निकल रहे घर को, अब घर जाके दिखाते हैं आपको। समझ चमक रहे हैं, चमकीली। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा वाला। अब बस चलते हैं सीधा गाड़ी शाड़ी में बैठते हैं और घर चलते हैं, और घर जाके बाकी का दिखाते हैं। मैं कैमरा बंद कर रही हूँ कि मेरी बस हो गई है यार। ये देखे मेरा ड्रेस कैसे रखा है, आगे बंद कर दे, नहीं आ रहा। अरे यार आ गई हूँ मैं पूरी, खुद में देखे हाथ छिल गए, छिल गए।
इतने घूमे हैं कि हमारे अब लोग हम लोग ऐसा हो गया है। अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं मेरे घर पे। आप सोच रहे होंगे शादी के दिनों में इकरा के धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ सिर्फ व्लॉग्स ही आ रहे हैं। इकरा कवल इतनी एनर्जेटिक, ऐसे लोग तो थके चूर हो जाते हैं। पिछले व्लॉग में कहती हूं मैं, बहुत इकरा को देख के इतना मोटिवेटेड हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू मी, थैंक यू सो मच। चलो जी, गार्ड और एक बंदा। वो हमारे भाई हैं, वो सारा टाइम हमारे साथ रहे हैं भाई। वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं, एक तो मेरा ख्याल कर रहे हैं, दूसरा उनको बातें कर रही है। मेरी तो जिंदगी में गाइस शादी कराओ तो हैवी हैवी जोड़े पहनो, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। चलो चलो चलो, अभी सब पहले अंदर सबको घुसा दिया, मुझे बाइक खड़ा कर दिया। मैं सबसे खड़ी लग रही हूं अब, सर्दी लग रही है। इससे पार क्या होगी, इससे उधर तो देखे जरा, वो देखे आपका ऐसे लग रहा है मैं किसी अवार्ड शो में किसी पेपराजी में आ गई हूं यार। मैंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार लिया, मैंने तुम्हारे नाक उतार लेने, मैंने तुम्हारा थप्पड़। लो जी, स्वागत से करेंगे। अरीब का क्या स्वागत हुआ, नीचों के साथ चींकों के साथ। या अल्लाह, इधर चुटकी बिखरी पड़ी है क्योंकि शादी वाले घर में। आप ही का ड्रेस भी मेरे जैसा ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है आगे से कट। चलें जी गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था सुकून से। अब जो है वो फ्रेश हुई हूँ, मेकअप उतारा है, सर खोला तो थोड़ा सा सुकून हुआ जिंदगी में।